संसद से अयोग्य घोषित किए जाने और सांसद के रूप में मिले सरकारी घर को खाली करने के नोटिस दिए जाने के बाद से राहुल गांधी के साथ खड़े होने की होड़ कांग्रेस में मच चुकी है। छोटे बड़े नेता आगे आकर अपना अपना घर कांग्रेस के इस पूर्व अध्यक्ष को देने के प्रस्ताव कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रहने वाली राजकुमारी गुप्ता ने अपना 4 मंजिला घर राहुल गांधी के नाम कर दिया। उन्होंने बकायदा रजिस्ट्रेशन उनके नाम कर दिया और इससे जुड़े कागजात सार्वजनिक कर दिए हैं। राजकुमारी गुप्ता दिल्ली महिला सेवा दल की अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि ये घर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें मिला था। वो अब ये घर राहुल गांधी को दे रही है क्योंकि उनके पास घर नहीं है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनके पास कोई निजी घर नहीं है। राजकुमारी गुप्ता ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को उनके सरकारी घर से निकाल सकते हैं, लोगों के दिलों से नहीं। बता दें कि सूरत के सत्र न्यायालय ने मोदी सरनेम अवमानना मामले में राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई। इसके अगले ही दिन राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके 2 दिन बाद राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला जिसमें उन्हें 22 अप्रैल तक घर खाली करने को कहा गया है। राहुल गांधी ने इसके जवाब में चिट्ठी लिखी और कहा कि वो इसका पालन करेंगे। इसके बाद कांग्रेस में राहुल गांधी को अपना घर देने के लिए होड़ मच गई। ट्विटर पर मेरा घर आपका घर ट्रेंड करने लगा। अभिनेता प्रकाश राज ने मेरा घर आपका घर हैशटैग के साथ लिखा, हर घर जो हमारे देश को इन अत्याचारियों से बचाना चाहता है वो आपका घर है। भारत आपका घर है, आपका स्वागत है, आपको और शक्ति मिले। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने लिखा, राहुल गांधी जी आप जैसे उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो पूरे देश ही परिवार है और वासुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे देश का मूल चरित्र है। राहुल जी मेरा घर आपका घर है, मैं अपने घर में आपका स्वागत करता हूँ और मैं अपना सौभाग्य मानूंगा यदि आप मेरे घर में आकर रहेंगे। इसी कड़ी में अब मंगोलपुरी में रहने वाली ये महिला सामने आई है। लुटियन जोन में रहने वाले राहुल गांधी भला मंगोलपुरी में क्यों और कैसे रहेंगे